नमस्ते स्टूडेंट, अब देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। इफ द पॉइंट एक्स वाई 1, 2 एंड आर कोलीनियर, यानी उसने बोला है कि ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट इज 7, 0। ये तीनों पॉइंट है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में। अब उसने एक साथ तीन पॉइंट दे दिया है तो अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह क्या पुट करेंगे, 0, क्योंकि कोलिनियर है तो एक ही लाइन में। जब ये एक ही लाइन में है तो ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, तो ट्रायंगल बन नहीं रहा है। चलिए ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाइए। ये हो गया x1 y1, x2 y2, x3 y3। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ ब्रैकेट में x1 y2 -y3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 y1 -y2 ब्रैकेट क्लोज। चलिए देखिए स्टूडेंट, अब अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह 0 पुट करेंगे। हाफ ब्रैकेट में वैल्यू पुट करिए। x1 की वैल्यू है x, y2 इज 2 माइनस y3 इज 0 प्लस x2 इज 1, y3 इज 0 माइनस y1 इज y प्लस x3 इज 7, y1 इज y माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज 0 इज इक्वल्स टू हाफ ब्रैकेट में x इंटू 2x एंड x इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 एंड प्लस 1 इंटू y माइनस y 7 इंटू y 7y एंड 7 इंटू 2 माइनस 14। अब ये जो हाफ है, ये जो हाफ है जिसमें 2 डिवाइड में उठ के काई में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा 0 के साथ, तो 0 इंटू समथिंग इज 0 प्लस माइनस माइनस y प्लस 7y माइनस 14। 0 इंटू समथिंग 0, सो 2x, अच्छा 7y में से 1y गया, कितना बचा प्लस 6y। प्लस 6y इसलिए क्योंकि 7y बड़ा है, 7 नंबर बड़ा है और 1 नंबर छोटा है, माइनस 14। ये आपकी रिलेशन बन गया। रिलेशन क्या बना देखिए स्टूडेंट्स, 2x प्लस 6y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। ये रिलेशन फाइंड हुआ एक्स और वाई का। अगर आपने लाइक नहीं किया होगा और सब्सक्राइब नहीं किया होगा स्टूडेंट, तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सेंटर ऑफ अ सर्कल फाइंड करना है, सर्कल का सेंटर फाइंड करना है। पासिंग थ्रू द पॉइंट 6, -6, 3, -7 एंड 3, 3। मतलब कुल मिला के अपने को फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड करना है, सर्कल का सेंटर फाइंड करना है जिससे 3 पॉइंट पास हो रहे हैं। चलिए आइए देखिए कैसे फाइंड करते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, एक्स और वाई अपन फाइंड करेंगे। 3 पॉइंट है जो उससे पास हो रहे हैं, एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है और एक पॉइंट आर है। ये 3 पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हो रहे हैं। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। पहले फाइंड करेंगे पी सी इज इक्वल्स टू
QC इज इक्वल्स टू क्या फाइंड करेंगे, C, R, ये तीन चीज़ अपने को फाइंड करनी है। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं किससे, PC इज इक्वल्स टू QC से, और यहाँ लगेगा डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि बेटा यहाँ पर कोई ट्रायंगल तो फॉर्म हो नहीं रहा है, ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है तो सीधे सीधे सी बात है डिस्टेंस फार्मूला करके ही अपने को सेंटर फाइंड करना पड़ेगा। सो PC इज इक्वल्स टू QC, चलिए दोनों के लिए लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये QC के लिए लगा रही हूँ मैं, X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। ओके चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, P की वैल्यू क्या है यहाँ पुट करिए, P की वैल्यू है 6, -6 और C की वैल्यू है X, Y, Q की वैल्यू क्या है 3, -7 एंड C की वैल्यू X, Y, X1, Y1, X2, Y2। सो X -6 का होल स्क्वायर प्लस Y -6 का होल स्क्वायर, डबल साइन इसलिए आई है क्योंकि Y1 की वैल्यू -6 है, इज इक्वल्स टू, चलिए यहाँ वैल्यू देखिए X1, Y1, X2, Y2, X -3 का होल स्क्वायर प्लस Y -7 का होल स्क्वायर, ये हो गया X -6 का स्क्वायर प्लस Y+6 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस प्लस होता है, ये हो गया X-3 का स्क्वायर प्लस Y+7 का स्क्वायर, सेम माइनस प्लस होता है, ठीक है। चलिए अब अंडर रूट हटाना है दोनों की तरफ से, तो ऑन स्क्वायरिंग करिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे ही स्क्वायर होता है तो ये अंडर रूट कैंसल हो जाते हैं, सो अपन डायरेक्टली लिख देते हैं X-6 का स्क्वायर प्लस Y+6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू X-3 का स्क्वायर प्लस Y+7 का स्क्वायर। चलिए देखिए माइनस की आइडेंटिटी, प्लस की आइडेंटिटी, माइनस की आइडेंटिटी, प्लस की आइडेंटिटी, दोनों तरफ लगाना A-B का होल स्क्वायर प्लस और A+B का होल स्क्वायर, यहाँ पे A-B का होल स्क्वायर, A+B का होल स्क्वायर। चलिए ध्यान से देखिए X² -2AB प्लस B² सेकेंड में A² + 2AB B² A² -2AB प्लस B² नेक्स्ट A² + 2AB + B का होल स्क्वायर, ये देखिए 2AB + B का होल स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, 6 × 2 = 12x + 6² = 36 प्लस Y² as it is 6 × 2 = 12y प्लस 36 इज इक्वल्स टू X² - 6x + 9 प्लस Y² + 14y + 49। देखिए X² से X² कैंसल, Y² से Y² कैंसल, अब क्या बचा है, और देखिए कुछ कैंसल हो रहा है नहीं, अब तो कुछ भी नहीं कैंसल हो रहा है, यहाँ बचा 12x + 12y + 36 कितना 72, यहाँ बचा -6x + 14y 49 + 9 कितना हुआ 58। ओके स्टूडेंट चलिए अब ये तीनों टर्म को उठा के अपन इधर ले आते हैं, -12x + 6x + 12y - 14y
प्लस 72 माइनस 58 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। चलिए माइनस 12 में से 6x गया माइनस 6x, माइनस 14 में से प्लस 12 गया माइनस 2y, और 72 में से कितना गया, 72 में से 58 गया, तो कितने बचे, 14 प्लस 14 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये देखिए, ये इसमें अपन क्या कर सकते हैं और चेंजेस, पूरी इक्वेशन शॉर्ट हो जाएंगी 2 के टेबल से डिवाइड होकर। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, सो माइनस 6x/2 माइनस 2y/2 प्लस 14/2 इज इक्वल्स टू 0/2। जो LHS में होता है वही RHS में भी होता है, 3 कैंसल 7, सो इक्वेशन क्या बनी अपनी, देखिए माइनस 3x माइनस y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या करना है अब अपने को, अपने PC इज इक्वल्स टू QC निकाल लिए, अब निकालेंगे QC इज इक्वल्स टू CR। क्या फाइंड करेंगे, QC इज इक्वल्स टू CR। चलिए पहले दोनों के लिए फॉर्मूलेज लगाते हैं, X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए, पहले Q के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 3, -7, और C के कोऑर्डिनेट्स x, y, यहाँ C के कोऑर्डिनेट्स x, y, और R के कोऑर्डिनेट्स 3, 3, x1, y1, x2, y2। चलिए वैल्यू पुट करिए, x2 की वैल्यू कितनी है, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर x2 कितना है, 3 का। स्टूडेंट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है अपने को, RC फाइंड करना है, तो पहले R वाले कोऑर्डिनेट रहेगा फिर C वाला, क्योंकि कभी भी ऐसा अपोजिट नहीं आना चाहिए, अगर आपका अपोजिट आ गया, 3 आगे x पीछे, तो आप गलत कर रहे हैं, तो आप उसको सुधार लीजिए RC करके। नेक्स्ट है y-3 का होल स्क्वायर। चलिए ऑन स्क्वायरिंग करिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर मैं CR कर देती तो मेरा x2 आ जा रहा था 3 और x1 आ जा रहा था x, तो ये हो जाता मेरा 3-x, जो के रॉन्ग होता, डायरेक्ट लिखते x-3 का स्क्वायर प्लस y+7 का होल स्क्वायर, प्लस कैसे आया, -, प्लस x-3 का स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर। देखिए x-3 का स्क्वायर कैंसल, ये आइडेंटिटी लगा दीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ लगाइए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, y स्क्वायर कैंसल, 7 × 2 = 14y प्लस 49 माइनस 6y प्लस 9, इधर उठा के लाइए टर्म और 49 को उधर उठा के लेके जाइए, प्लस 6y = 9 - 49, ये हो गया 20y = 40 माइनस 40, y = -40/20, 0 कैंसिल, 1 टाइम 2 टाइम y की वैल्यू क्या आ गई, y = -2। चलिए अब x की वैल्यू फाइंड करना है, अब अपनी एक इक्वेशन आई थी -3x
माइनस टू वाई माइनस सेवन इज इक्वल्स टू माइनस सॉरी टू वाई नहीं आता माइनस वाई प्लस सेवन इज इक्वल्स टू ज़ीरो माइनस थ्री एक्स माइनस माइनस टू वाई की वैल्यू रख दिए प्लस सेवन इज इक्वल्स टू ज़ीरो माइनस थ्री एक्स माइनस माइनस प्लस टू प्लस सेवन इज इक्वल्स टू ज़ीरो सो माइनस थ्री एक्स सेवन नाइन इज इक्वल्स टू ज़ीरो माइनस थ्री एक्स इज इक्वल्स टू माइनस नाइन सो माइनस माइनस कैंसल एक्स इज इक्वल्स टू नाइन अपॉन वन टाइम्स थ्री टाइम्स कितना आया एक्स की वैल्यू थ्री आई वाई की वैल्यू आ गई अपनी एक्स की वैल्यू आ गई हैंस द सेंटर ऑफ सर्कल सी के कोऑर्डिनेट्स है थ्री कॉमा माइनस टू क्या है थ्री कॉमा माइनस टू ये फाइंड हो गया द सेंटर ऑफ द सर्कल अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है द टू अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर पी क्यू आर एंड एस इज अ स्क्वायर उसके दो अपोजिट वर्टाइसेस गिवन है अपोजिट वर्टाइसेस बोले तो अगर ये पी हो गया तो ये आर हो गया ये दोनों गिवन है या तो आप क्यू और एस ले लो या तो पी और आर ले लो तो अपन पी और आर ले लेते हैं सो पी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं माइनस वन कॉमा टू एंड आर के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं थ्री कॉमा टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्टाइसेस मतलब अपने को क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और एस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो जो क्यू के कोऑर्डिनेट आएंगे वही एस के भी कोऑर्डिनेट आएंगे चलिए स्टार्ट करते हैं एक पहले डायगोनल डाल देते हैं पी से लेकर आर तक का पहले फाइंड करते हैं पी क्यू इज इक्वल्स टू आर क्यू पी क्यू इज इक्वल्स टू आर क्यू लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर क्यू के लिए एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर चलिए पी क्यू पी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं माइनस वन कॉमा टू क्यू के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई आर के कोऑर्डिनेट्स थ्री कॉमा टू एंड क्यू के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई इसमें भी स्टूडेंट्स ध्यान देना कि अगर आपने क्यू आगे ले लिए और आर पीछे ले लिए तो आपका थ्री माइनस एक्स आ जाएगा बट आपको लाना है एक्स माइनस थ्री इधर जब वैल्यू पुट करेंगे तब की बात है सो एक्स माइनस माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर नेक्स्ट ये हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ये हो जाएगा वाई माइनस टू का होल स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर चलिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड तो अंडर रूट अपने आप हट जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर देखिए वाई माइनस टू कैंसल सेम साइन ही कैंसल होती है इक्वल्स टू में अगर यहाँ माइनस होता और यहाँ प्लस होता तो मैं कैंसल नहीं कर सकती थी चलिए क्या लेफ्ट हुआ अब अपना यहाँ x प्लस वन का होल स्क्वायर बचा है और यहाँ x माइनस थ्री का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाइए ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर देखिए
एक्स स्क्वायर फिर कैंसिल, ये हो गया टू वन ज़ा वन का स्क्वायर वन माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन। माइनस सिक्स एक्स उठा के इधर लाइए प्लस सिक्स एक्स हो जाएगा, और प्लस वन उठा के इधर लाइए तो माइनस वन हो जाएगा। एट एक्स इज इक्वल्स टू एट, एट एक्स इज इक्वल्स टू एट आया, सो एट एक्स इज इक्वल्स टू एट, एक्स इज इक्वल्स टू एट अपॉन एट, कैंसल होके वन, एक्स की वैल्यू वन आ गई। चलिए अब आइए फिर से डायग्राम देखिए। अब अपन पी क्यू आर ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हाइपोटेनियस ये हो गई, परपेंडिकुलर ये हो गई, बेस ये हो गई। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके चलिए स्टार्ट करिए। इन ट्रायंगल पी क्यू आर हाइपोटेनियस क्या है, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। चलिए पी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, आप देखते जाइए। एक्स प्लस वन का होल्स, चलिए पहले पी के कोऑर्डिनेट्स पुट कर देते हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट्स है अपने, पी के कोऑर्डिनेट माइनस वन कॉमा टू, और आर के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, थ्री कॉमा टू। बाकी अपने पास पी क्यू और आर क्यू तो निकला हुआ ही है, तो अपन डायरेक्ट पुट कर देंगे फॉर्मूला। क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट डायरेक्टली हट जाएगा, तो अपने को लगाने की ज़रूरत ही नहीं अंडर रूट। तो एक्स टू कितना, थ्री माइनस माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू। पी क्यू कितना आया था अपना, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का स्क्वायर। आर क्यू कितना आया था, देखिए आप आर क्यू भी अपन निकाल चुके, एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर। चलिए ये हो गया थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस ज़ीरो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे पूरी आइडेंटिटी खोलना है आपको, तो अपन नेक्स्ट स्टेप में खोलेंगे। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा फोर का स्क्वायर, और ये ज़ीरो तो हट ही जाएगा। चलिए यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, वन प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, वाई माइनस टू का होल स्क्वायर वन माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा सिक्सटीन, टू का स्क्वायर फोर, y माइनस टू का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर y माइनस टू का स्क्वायर, देखिए फोर का स्क्वायर क्या हुआ, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, वन प्लस वन का स्क्वायर फोर, वन प्लस वन टू, टू का स्क्वायर फोर, ये एज इट इज़ थ्री में से वन गया, माइनस टू का स्क्वायर, ये y माइनस टू सिक्सटीन टू फोर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस फोर, टू का स्क्वायर फोर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए देखिए सिक्सटीन फोर प्लस एट वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस फोर, टू का स्क्वायर फोर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस फोर, फिर ये फोर और फोर एट हो जाएगा सिक्सटीन, एट प्लस एट सिक्सटीन प्लस वाई स्क्वायर
एक्स फोर वाई माइनस फोर वाई प्लस वाई स्क्वायर 16 कैंसल. सो बचा, अब बचा क्या है, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो. देखिए ये बचा है, तो वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर माइनस एट वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो. दोनों में से टू वाई कॉमन निकलेगा, तो बचा क्या, वाई माइनस फोर इज इक्वल्स टू ज़ीरो. अभी पहला ब्रैकेट इज इक्वल्स टू, पहला ये जो है टू वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो करेंगे, फिर उसके बाद वाई माइनस फोर इज इक्वल्स टू ज़ीरो करेंगे. सो ये हो गया ज़ीरो अपॉन टू, और ये हो गया वाई की वैल्यू फोर. तो एक वाई की वैल्यू ज़ीरो आ गई और एक वाई की वैल्यू फोर आ गई. अपने पास वाई की दो वैल्यू आई थी क्योंकि अपने को दो कोऑर्डिनेट फाइंड कर. चलिए एक्स की वैल्यू अपने पास वन आई है, वाई की पहली वैल्यू ज़ीरो है. एक्स की वैल्यू अपने पास वन है, वाई की दूसरी वैल्यू अपने पास ज़ीरो है. ये हो गए अपने दो कोऑर्डिनेट. सो क्यू के कोऑर्डिनेट्स है वन कॉमा ज़ीरो एंड एस के कोऑर्डिनेट्स है वन कॉमा फोर. आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा. लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को.